भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मिरहट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से मुख्य सड़क पर नाली का गंदा पानी बह रहा है, जिससे ग्रामवासियों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में सड़क पर कमर भर गंदा पानी बहने की स्थिति होने पर ग्रामवासियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, साथ ही बच्चों को स्कूल भेजने में भी काफी परेशानियां होती हैं। सालों भर सड़क पर जल जमाव से लोगों की स्थिति बहुत ही नरकिया हो गई है। कीचड़ भरी सड़क में आना जाना पड़ता है। सड़क पर जल जमाव से गंदे पानी में पैर में जोकटी लग जाती है। यह समस्या रोज ग्रामवासियों को झेलनी पड़ती है। अधिकारियों को इस बात से अवगत करा दिया गया है, लेकिन कोई भी अधिकारी का ध्यान अब तक नहीं जाने से ग्रामवासियों को काफी परेशानी हो रही है। नवनिर्वाचित मुखिया अशोक यादव ने बताया कि यह वार्ड 4 में जल जमाव की समस्या वर्षों से है, लेकिन अब बहुत जल्द जल जमाव की समस्या से ग्रामवासियों को निदान मिल जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। अधिकारियों से बातचीत कर जल्द ही समस्याओं से निदान दिलाया जाएगा। की परेशानी है? रोड नाला दोनों ये देखिए रहल छ सब। कितना दिन से परेशानी है? सब दिन के ही। कितना दिन से? सब दिन कदबे पुनी सब दिन। कोई देखने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। कहाँ घर है? हैं? कहाँ घर है आपका? यहीं है घर। कहाँ? यहाँ मिरट्टी वार्ड नंबर 3 नंबर में से छिए। 3 नंबर वार्ड है ये? नहीं, 4 छिए। हमें 3 नंबर से छिए। आप 3 नंबर हैं, 4 नंबर जाने आने में दिक्कत होता है ना? हाँ। क्या दिक्कत होता है? उन्हें जाए आवे में दिक्कत होई छे। बरसा का दिन आ रहा है तो क्या परेशानी होती है? जब अखनी सूखा में अखनी इतना नतीजा छे, पानी में कितना नतीजा? छठा महीना है तो अभी तो धूप है, क्या दिक्कत हो रही है आपके गाँव में? दिक्कत होती है। हाँ। अब तो बरसा का समय आएगा। हाँ। क्या दिक्कत होगी बरसा के समय में? बरसा समय में भाई जा पानी जाते हैं, क्या दिक्कत? कितना पानी हो जाता है? इतना पानी आ जाए बच्चा बुतुर तो डूब जाते हैं। पहले नाला और रोड चाहिए हमको, और पानी चाहिए। 3 नंबर वार्ड है? 4 नंबर। कौन गांव है? मिरट्टी। क्या दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है सर, इतना प्रॉब्लम। डॉक्टर उठ के चला गया है वहाँ से, इतना हम लोग को प्रॉब्लम होता है। डॉक्टर भाग गया घर, डॉक्टर भाग गया है छोड़ के। मुखिया कथी ले लो छे? कथी मुखिया बने ना छे? क्या ले ली? कितना दिन से परेशान? कितना दिन से? 10 साल से परेशान। रोड नहीं बन रहा है? रोड नहीं बन रहा जाए? नहीं, रोड नहीं बनल छे। नहीं, रोड नहीं नाला। कैसा आवे जाए? जो कैसे कैसे जाए छे के लिए कि जा सके? अरे जाए छे, बुले छे। तुरंत दीदी जो कर गेले केना बोलबे? केना रहबे? केना बोलो? देखिए ना, इधर का परेशानी है। परेशानी देखते हैं सर, कादो में आना पड़ता है, बड़ डरा पानी हो जाता है, इसमें सब बिछा का डर है ना, मामोसी आने में बनता है ना, को बाल बच्चा सब ऐसे पैक रहो घरे में। कितना आबादी है इधर? कितना आबादी? आबादी तो इधर 600-700 है। कितना घर लगभग होगा? हाँ, वही तो बोल रहे हैं, निकासी यही है। और निकासी यही रास्ता हम लोग का? तो कैसे आते जाते हैं? बस इसी से कदम ले लीजिए। आप बगल से कतरा के किसी के सुखा मिला तो बगल से कतरा के चले जाता है, नहीं तो इसी के आना जाना होता है। परेशानी आपके आँख के सामने है, सब परेशानी देखिए रहे हैं। तो जी जी जी, क्या अभी देखे ना, थोड़ा देर जाने के पहले अब जो पकड़ लिया। जी जी। हाँ, अब बोलिए बच्चा बुतरू कैसे जाएगा? पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाने का रास्ता नहीं है, हम लोग को आने का रास्ता नहीं है। कितना घर है यहाँ? घर तो यहाँ तो बहुत घर है, घर है, दिखिए ना सगर घर है। 900 लोग यहाँ पंचायत में? नहीं नहीं, वो हाँ 900 लोग। काफी दिक्कत हो रही है, बहुत कठिनाई है। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन? हम लोग यही मांग करते हैं कि रोड नाला बन जाए सर, और क्या मांग? ऐसा हो।